आज का हमारा टॉपिक रहेगा ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। उससे पहले एक टॉपिक बच गया था, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वाला, वो और सोमेटिक नर्वस सिस्टम वाला थोड़ा सा देख लेते हैं वापस। हमने कल पढ़ा था नर्वस सिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नर्व्स, whereas central nervous system consists of brain और अपनी spinal cord। peripheral nervous system को हमने आगे दो part में split किया था, एक तो somatic और दूसरी थी autonomic। somatic जो voluntary होती है nature में, इसके दो हमने नर्व्स को दो में किया था, वो क्रेनियल जो ब्रेन से निकलती है और दूसरी स्पाइनल जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती है। ऑटोनॉमिक जो इनवॉलेंट्री एक्शंस रेगुलेट करती है, जैसे अपने ग्लैंड्स के हो गए, इंटरनल ऑर्गन्स के हो गए, वो इसको हमने फर्दर दो में स्प्लिट किया था। एक था सिंपैथेटिक, दूसरा था पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक मीन्स आपका नॉर्मल बॉडी समझ लीजिए यहाँ पे हो। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, ये आपकी बॉडी स्टेट को हाइटन अप करता है, हाइपर सिचुएशन लाता है, एक्साइटेटरी सिचुएशन लाता है। जैसे आपके हार्ट बीट तेज कर देना, आपकी ब्रीदिंग रेट को बढ़ा देना, वो सिंपैथिक करता है। अब इस एक्साइटेटरी स्टेट से आपको बॉडी को फिर से आपके नॉर्मल कंडीशन लाने में काम करता है पैरासिम्पैथिक, ठीक है। दूसरा आप डिफरेंस इससे याद रखते हैं कि सिंपैथिक की जो साइनेप्टिक क्लेफ्ट होती है, वहाँ पे कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा, एक्साइटेटरी निकलेगा, कौन सा, एपिनेफ्रिन, ये निकलता है। जबकि पैरासिम्पैथिक होता है, उसके न्यूरोट्रांसमीटर पे कौन सा निकलता है, वो होता है एसिटाइल कोलिन, ACH, एसिटाइल कोलिन निकलता है यहाँ पे। चलिए अब हम आज के टॉपिक पे आ जाते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पहले हम पढ़ेंगे ब्रेन टॉपिक। ब्रेन के बारे में पढ़े, उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्रेन बनता कैसे है, कैसा उसका डेवलपमेंट होता है। ये आपका पहला सिंगल सेल स्टेट जायगोट, ये दो सेल बनाता है 4, 8, 16, फिर गैस्ट्रुलेशन स्टेज आती है, उसमें तीन लेयर बनती है, एक आपकी आउटर एक्टो, मीसो, एंडो। एक्टो, मीसो, एंडो, ये स्पेस ऐसे अलग नहीं होती, ये आपको पता है, ये पूरी एक लेयर हो गई, फिर एक लेयर हो गई, फिर एक लेयर हो गई, आउटर लेयर हो जाती है, वो हो जाती है एक्टो, ये आपकी एक्टो लेयर हो गई, एक्टोडर्म, ये आपकी मीसोडर्म है, और ये पार्ट आपका एंडोडर्म है, और बीच में यहाँ पे इसको छोड़ दीजिएगा, ये हो गया एक्टो, मीसो एंड एंडोडर्म। आपका नर्वस सिस्टम वो डेवलप होता है इस एक्टोडर्म से। सो नर्वस सिस्टम डेवलप्स फ्रॉम विच जर्म लेयर, फ्रॉम एक्टोडर्म। एक्टोडर्म में क्या होता है, सबसे पहले आपके नर्व स्ट्रीक बनती है, ये आपके सेल्स हैं, एक न्यूरल स्ट्रीक बनती है, और इस न्यूरल स्ट्रीक पे, ये आपका डॉर्सल साइड हो गया, वेंट्रल साइड, यहाँ से सेल्स का मोशन होता है आउटवर्ड,
इतना सेल्स का मोशन होता है कि बीच में एक ग्रूव बन जाती है जिसको हम कहते हैं ट्यूब, न्यूरल ट्यूब। यहाँ पे बीच में खोखली जगह बन जाती है जिसे हम कहेंगे न्यूरल ट्यूब। और क्योंकि सेल्स साइड वाले का इलाके में गए तो वहाँ पे थिकनेस आ जाती है जिसको हम कहते हैं न्यूरल क्रस्ट। ये न्यूरल ट्यूब ही आपके क्या बनाएगी, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आपको पता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड अंदर से खोखले टाइप ही होता है, उनके अंदर वेस्टिब्यूल्स होते हैं, सॉरी उनके अंदर वेंट्रिकल्स होते हैं जो आपके फ्लूइड फिल्ड होते हैं। मीन्स दे आर वेंट्रिकल्स, दे आर चैम्बर्स दैट आर फ्लूइड फिल्ड। सेम आपके स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, वो हॉलो होती है अंदर से। फिर न्यूरल क्रस्ट से आपके क्या बनता है, इससे आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनता है। फिर आपको आगे बताएंगे, या मैंने बता भी रखा होगा सेल टॉपिक में, कि कुछ पार्ट होता है आपके मसल्स का जो नहीं बना होता है मीसोडर्म से, वो कौन सा होता है, जैसे रेटिना हो गए, आइरिस हो गए, ये सारा पार्ट। इनिशियल ब्रेन के, इनिशियली आपके ब्रेन के कितने पार्ट हो गए, एक तो फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन और एक हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हम क्या कहते हैं, प्रोसेंसेफलॉन, मिड को मीसेंसेफलॉन और हाइंड ब्रेन को रोम्बेंसेफलॉन। ये तीन पार्ट होते हैं। ये जो आपके बीच में न्यूरल ट्यूब थी, ये तो आपके स्पाइनल कॉर्ड बना रही, ये ब्रेन बनाएगा। ब्रेन वाले पार्ट में तीन फिशर्स आ जाते हैं। ये पूरा लोब था, इसमें दो फिशर आ गए जिसकी वजह से तीन लोब टाइप स्ट्रक्चर बन जाते हैं। पहला वाला प्रोसेंसेफलॉन, मीसेंसेफलॉन एंड रोम्बेंसेफलॉन। जो फोर ब्रेन होता है उसमें अगेन एक फिशर आएगा ट्रांसवर्सल, और एक हॉरिजॉन्टल और एक आएगा वर्टिकल। वर्टिकल की वजह से जो प्रोसेंसेफलॉन था उसमें दो लोब्स बन जाते हैं, दो पार्ट्स, उसको हम कहते हैं टिप पे है तो टीलेंसेफलॉन। दूसरा वाला सेकंड पोजीशन से आप डायनसेफलॉन याद रखिएगा। मिड वाले में कोई बाइफर्केशन नहीं हो रही। थर्ड वाला पार्ट हो गया, उसमें भी एक डेंट पड़ता है, डेंट क्या कहें, डिप्रेशन आता है जिसकी वजह से दो लोब पड़ गए। एक लास्ट वाला क्या था, रोम्बेंसेफलॉन, उसमें एक आ गया मेटिन और माइलेंसेफलॉन, मेटिनसेफलॉन माइलेंसेफलॉन। अब हर एक पार्ट क्या बनाएगा फ्यूचर में, टीलेंसेफलॉन बनाता है आपका सेरिब्रम। इनके क्या क्या फंक्शन है हर एक पार्ट का, हम आगे पढ़ेंगे। डायनसेफलॉन बनाता है आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड एपिथैलेमस। थैलेमस हाइपो नीचे, एपी ऊपर। मीसेंसेफलॉन ये आपका बनाता है मिड ब्रेन। मेटेनसेफलॉन ये पॉन्स और सेरिबेलम बनाता है। और माइलेंसेफलॉन मेड्यूला एब्लॉन्गेटा। तो आपके ब्रेन के ये पार्ट होते हैं, सेरिब्रम, थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस, मिड ब्रेन, पॉन्स, सेरिबेलम और मेड्यूला एब्लॉन्गेटा। और हर एक पार्ट इनलार्ज हो जाता है। ये आपका टीलेंसेफलॉन था जो इतना इनलार्ज हो गया, इतना पूरा आपका टीलेंसेफलॉन है ये वाला पार्ट जो मैं अभी, मैं फिर से मार्क करके बताती हूँ। ये पूरा पार्ट आपका टीलेंसेफलॉन है। टीलेंसेफलॉन के हर एक पार्ट स्पेशलाइज फंक्शन करने लग जाते हैं। जैसे आगे एक लोब जो होता है वो फ्रंटल लोब हो गया, साइड में जो होता है वो टेम्पोरल हो गया, फ्रंटल, पेराइटल, ऑसिपिटल। यहाँ पे मोटर कॉर्टेक्स भी होता है। ये आपका फोर ब्रेन हो गया, मिड ब्रेन, फिर पीछे हाइंड ब्रेन जिसका सेरिबेलम आपको विजिबल है यहाँ पे। ब्रेन के अंदर कुछ, मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ब्रेन के अंदर कुछ वेंट्रिकल्स भी होते हैं। वेंट्रिकल्स मीन्स हॉलो कैविटीज, इनको हम कैविटीज कह सकते हैं। कितनी होती है, लेटरल, थर्ड, एक्वाडक्ट और फोर्थ, आपके चार होती है। कौन किसको कैसे कनेक्ट करता है वो देखते हैं। लेटरल
आपस में कनेक्टेड होती है, थर्ड से कनेक्टेड होती है, थर्ड फोर्थ से कनेक्टेड होती है वाया एक्वाडक्ट। एक्वाडक्ट मिड ब्रेन के थ्रू पास होती है। आपके ब्रेन में आपको पता ही है ऐसे फोल्डिंग्स आती है, उनको हम क्या कहते हैं, सल्कस और गायरस। सल्कस और गायरस इन फोल्डिंग्स को कहते हैं। अब हम पहले पार्ट से स्टार्ट करेंगे जो था फोर ब्रेन। और फोर ब्रेन में भी कौन सा, टीलन सेप्लॉन। टीलन सेप्लॉन के हमने देखे कितने थे, चार लोब्स थे। पहला लोब था फ्रंटल लोब, दूसरा था पेराइटल, तीसरा था ऑसी पिटल और फोर्थ था आपका टेम्पोरल। फ्रंटल पार्ट क्या करता है, फ्रंटल पार्ट के ऊपर आपने देखा था मोटर कॉर्टेक्स था, मींस ये आपके मसल कॉन्ट्रैक्शन की वॉलेंट्री एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सेकेंडली ये आपकी पर्सनैलिटी कैसी होगी उसको कंट्रोल करता है, आपका सोशल बिहेवियर ये कंट्रोल करता है, आपकी स्पीच, आपकी लर्निंग, सब फ्रंटल पार्ट करता है। फ्रंटल आपका मूवमेंट करेगा, आपकी पर्सनैलिटी, आपका सोशल बिहेवियर, स्पीच, वर्ड सेलेक्शन, आप किस तरीके से लर्निंग करते हैं वो सब फ्रंटल पार्ट देखता है। सेकंड पार्ट जो पैराइटल पार्ट है वो आपका पेन से, पेन सेंसेशन हो गया, विजुअल अटेंशन हो गया आपका, टच सेंसेशन हो गया, आपकी अवेयरनेस हो गई, ये सब देखता है। तो पैराइटल पार्ट जो सेकंड पार्ट हो गया वो क्या देखता है, वो आपका देखेगा टच सेंसेशन को, पेन सेंसेशन को, विजुअल अटेंशन को, आप कितने अवेयर हो उसको देखता है। इसमें आपको पता ही है लेफ्ट राइट को कंट्रोल करता है, राइट वाला हेमिस्फीयर लेफ्ट बॉडी पार्ट को कंट्रोल करता है, ये आपको बेसिक नॉलेज बताई। ये आपका ब्रेन का राइट पार्ट कंट्रोल करता है लेफ्ट, आपकी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर कंट्रोल करता है लेफ्ट बॉडी पार्ट। फिर आपका आ गया ऑसिपिटल। ऑसिपिटल विजन से रिलेटेड है। टेम्पोरल मींस कानों के पास होता है, तो ये ऑडिटरी के लिए है आपका। फिर से देख लेते हैं, फ्रंटल आपका पूरे पर्सनैलिटी कैसी है, लर्निंग वर्निंग सब देखता है। पैराइटल पेन सेंसेशन हो गया आपका, टच सेंसेशन हो गया वो। ऑसिपिटल विजुअल के लिए, टेम्पोरल कानों के पास होता है, तो ये ऑडिटरी के लिए होता है। इसी में दूसरा जो हेमिस्फीयर वो अपन ने कहा था डायनसेफेलॉन। डायनसेफेलॉन क्या करता है, इसके भी आपको पता है कंपोनेंट्स है। थैलेमस हमने देखा था, हाइपो थैलेमस, फिर अमाइडेला एंड हिप्पो कैंपस। थैलेमस और हाइपोथैलेमस तो आपके बॉडी के होमियोस्टैटिक, आपके बॉडी का होमियोस्टेसिस मेंटेन रखता है, मीन्स आपके बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन करना, आयंस मेंटेन करना, वाटर लेवल मेंटेन करना, उस सब को बैलेंस। जैसे आपको, जैसे आपके बॉडी में पानी कम हुआ तो ये क्या करेगा, सिग्नल्स देगा कि जाओ पानी पियो। हाइपोथैलेमस और थैलेमस आपको थर्स्ट फील होने लग जाएगी, तो ये इसका काम है, आपके यूरिन में से ज़्यादा वाटर रीअब्सॉर्प्शन होने लग जाता है, ये इसका काम है। अमाइडेला का काम होता है कि आपके अंदर अलर्टनेस हो गया, इमरजेंसी का सेंस जो होता है, फियर, क्यूरियोसिटी जो सबको मरवाते हैं, वो सारे सेंसेशन टर्न आपके अमाइडेला करता है। आपको घबराहट हो रही है, चिंता हो रही है, एंजाइटी हो रही है, अमाइडेला की करते होते हैं। हाइपो
हिप्पोकैम्पस होता है, ये आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी कौन बनाता था? वो आपके टेम्पोरल लोब जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाता है। अगर शॉर्ट टर्म मेमोरी को आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी करनी होती है तो लॉन्ग टर्म मेमोरी कौन करेगा? हिप्पोकैम्पस। ठीक है, आपको फिर याद ही होगा, कहियो कि याददाश्त चली जाती है तो वो इस वजह से जाती है, आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी लॉस हो जाती है। लंबे टाइम पे आप कुछ याद रख नहीं पाते, या आपकी लंबी जो यादें थी वो आप भूल जाते हो। दो टाइप की आपकी मेमोरी लॉस होते हैं, एक होती है रेट्रोग्रेडेड मीनिया का मतलब ये हुआ कि आप पास्ट की मेमोरी भूल जाओगे, और एक होती है एंटीरो, रेट्रो मीन्स पीछे की, बैक, एंटीरो मीन्स आगे की, एंटीरोग्रेडेड मीनिया मीन्स आप फ्यूचर में कुछ भी होगा उसकी मेमोरी नहीं बना पाओगे। सिंपल सा कहूँ, गजनी वाली कंडीशन हो जाएगी। गजनी को जो हुआ था कि कुछ हुआ वो उसको याद नहीं रख पा रहा, उसका हिप्पोकैम्पस डैमेज हुआ था और उसकी मेमोरी लॉस कैसे हुई थी? एंटीरोग्रेडेड मीनिया। ठीक है, फिर हम आ जाते हैं किस पे, सेकेंड आपका ब्रेन का पार्ट हो गया मिड ब्रेन। मिड ब्रेन हमने कहा था किसके लिए है, ये कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइंड ब्रेन से। यहाँ पे आपके ऑडिटरी एंड विजुअल, आँखों के और सुनने के रिफ्लेक्सेस प्रोसेस होता है, मींस आपके कान के और सुनने के दोनों रिफ्लेक्सेस यहाँ पे। थर्ड आपका हो गया हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट होते हैं, पॉम्स, मेड्यूला एंड सेरी बैलम। पॉम्स ये रेस्पिरेशन रेगुलेट करता है, मेड्यूला रेस्पिरेशन और कार्डियक दोनों रेगुलेट करता है। ये दोनों कैसी है? इन वॉलेंट्री एक्टिविटी है। पॉन्स, मेड्यूला करता है आपके कार्डियक, हार्ट बीट कितनी रहेगी वो, रेस्पिरेशन को भी, और पॉन्स मेनली रेस्पिरेशन को, उनके अंदर सेंटर्स होंगे। जब हम रेस्पिरेटरी टॉपिक देखेंगे तब देखेंगे कि पॉन्स और मेड्यूला कैसे रेस्पिरेशन को रेट को कंट्रोल करते हैं, और सेरिबैलम ये आपके बॉडी पॉस्चर को मेनटेन करता है, बॉडी बैलेंसिंग में, मसल टोनिंग में काम आता है। फिर मैंने कहा था आपके ब्रेन में वेंट्रिकल्स है, कैविटीज है, दो बताई थी, लेटरल थर्ड, फिर एक एक्वाडक्ट और फोर्थ। ये क्या करती है? ये कनेक्ट कर, दीज आर कनेक्टेड कैविटीज विद इन ब्रेन। फिल किससे होती है? सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। फ्लूइड से हमारा सर क्यों फिल्ड होता है? तीन चीज़ें आप याद रखिए। पहला, ये शॉक एब्जॉर्बर की तरह काम करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर, प्रोटेक्शन की तरह काम करता है। सेकंडली, ये काम करता है बायोन्सी की तरह। आपका ब्रेन का जो वेट है वो काफ़ी है, तो क्योंकि यहाँ पे फ्लूइड होगा और उसके अंदर ब्रेन होता है तो उसका वजन कम हो जाता है, नहीं तो आप अपना सर ना संभाल पाओ। तो इस लिक्विड की वजह से आपका ब्रेन का वेट कम हो जाता है। और थर्ड, एक केमिकल स्टेबिलिटी रखता है आपके ब्रेन के इर्द गिर्द। वेंट्रिकल, इसके अंदर ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड तो हो ही गया, इसके अलावा यहाँ पे एक लाइनिंग होती है किसकी? इपेनडाइमल सेल की। ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है ये सिक्रेट कौन करता है? ये इपेनडाइमल सेल ही करता है, इनकी लाइनिंग होती है। तो फ्लूइड करेगा, सेल होगा तभी तो फ्लूइड आएगा। तो इपेनडाइमल सेल्स होता है, ये बैरियर भी बनाते हैं ब्लड और ब्रेन के बीच में, और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी सिक्रेट करता है, इपेनडाइमल सेल्स। फिर मैं वेंट्रिकल बता रही थी, लेटरल वेंट्रिकल्स होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं लेफ्ट और राइट हेमिस्फीयर में, ये ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं और ये स्पेस देते हैं
ब्रेन को ग्रो होने के लिए, मीन्स इनका भी साइज विद एज इंक्रीज होता है। दोनों लेटरल वाले कनेक्टेड होते किससे? थर्ड से, वाया अ स्मॉल डक्ट जिसको हम कहते हैं फोरामेन ऑफ मोनेरो। फोरामेन मीन्स छेद। सेकंड लेटरल वाले कनेक्टेड होते थर्ड से बाय फोरामेन मोनेरो। ये हाइपोथैलेमस के पास में सिचुएटेड होती है। और थर्ड कनेक्टेड होती है फोर्थ से बाय अगेन अ डक्ट जिसको हम कहते हैं एक्वेडक्ट। थर्ड वाला वेंट्रिकल पीछे की साइड होती है, ये आपके ब्रेन स्टेम जो पॉन्स सेरिबेलम और स्पाइनल कॉर्ड का ऊपर वाला पार्ट होता है उसको ब्रेन स्टेम कहते हैं, तो वहाँ पे प्रेजेंट होती है। ब्रेन की तीन मेम्ब्रेन्स होती है, आपको पता ही है। इन्ना मोस्ट जो सबसे डेलिकेट लेयर होती है उसको हम कहते हैं पाई मीटर। उस आप कहो कि इन्ना मोस्ट लेयर थी उसको कहा हमने पायमीटा। फिर जो बीच वाली लेयर होती है, जो बीच वाली लेयर होती है जो थोड़ी वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है और इसके अंदर फ्लूइड फील्ड होता है जो कुशन की तरह काम करता है, ये हो गए आपके एरेखेनॉइड। एरेखेनॉइड इसको क्यों कहा जाता है? एरेक्निया मतलब आपकी स्पाइडर। तो ये लेयर क्योंकि इसका वेब लाइक स्ट्रक्चर होता है तो इसको हमने एरेक्नॉइड का। और आपकी आउटरमोस्ट लेयर जो टफ लेयर होती है, ड्यूरेबल लेयर होती है उसको हम कहते हैं जो आउटरमोस्ट ड्यूरेबल लेयर हो गई वो हो गई आपके ड्यूरामेटा। तो ब्रेन की तीन मेम्ब्रेन होती है, अंदर वाली डेलिकेट वाली पाई जैसी, पाई मतलब केक जैसी पाईमेटा, बीच वाली जाली नुमा होती है एरेखेनॉइड और बाहर वाली टफ होती है ड्यूरेबल होती है तो ड्यूरामेटा। दूसरा एक रखिए कि जो लेफ्ट पार्ट है आपका ब्रेन का, राइट पार्ट एक थिक कनेक्टिव टिश्यू से कनेक्टेड होता है जिसको हम कह रहे हैं कॉर्पस कॉलोसम। लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर कनेक्टेड होता है एक थिक बैंड से जिसको हम कहते हैं कॉर्पस कोलोसम। ये एक दूसरे से कम्युनिकेट भी इसी के थ्रू ही करते हैं। और मिड ब्रेन में जब मैंने आपको बताया था, चलिए वो हम आगे पढ़ेंगे तब देख लेंगे, जब हम विजुअल आइस वाला पार्ट पढ़ेंगे तब। तो राइट और लेफ्ट हेमिस्फीयर को कौन कनेक्ट करता है? एक थिक बैंड जो हो गया कॉर्पस कोलोसम। ये फाइबर्स होते हैं यहाँ पे एक्चुअली। पार्ट आपको ब्रेन का एक्चुअली दिखता है वो होता है सेरिब्रम, जो अभी हमने बताया था चार लोग होते हैं, फ्रंट अपराइट ओसिपिटल और टेम्पोरल। तो सेरिब्रम वो पार्ट है जो आपको दिखता है जिसमें आपको ऐसे ग्रूव्स दिखती है ब्रेन की गंदी सी। ये सरफेस ऑफ सेरिब्रम ही है जिसको हम क्या कहते हैं कॉर्टेक्स। तो इसमें क्या होता है हिल्स और वैलीज, ग्रूव्स इनको कहते हैं गायरस, जो ऊपर वाला पार्ट होता है, नीचे वाले को कहते हैं सल्कस। ये कॉर्टेक्स में लेयर्स होती है, डिफरेंट लेयर्स, हम कहते हैं ग्रे मैटर वाइट मैटर, वो क्या है? तो हम देखते हैं कि एक्चुअली जो सारे न्यूरॉन्स हैं वो तो प्रेजेंट इधर ही होते हैं कॉर्टेक्स वाली वाली पार्ट में, वहाँ पे होते हैं। एंड दीज न्यूरॉन्स आर एक्चुअली अरेंज्ड इन अ स्पेसिफाइड लेयर्स, जो हम दो लेयर्स बोल रहे हैं। द नर्व सेल्स विच कलर द कॉर्टेक्स ग्रेइश ब्राउन, उसको तो हम कहते हैं ग्रे मैटर। जो बाहर वाली लेयर होती है जो आपको दिखती है वो होती है ग्रे मैटर, क्यों? क्योंकि वो ग्रेइश ब्राउन उसका कलर कर देते हैं। और इसके नीचे वाला पार्ट जो वाइट होता है उसको हम कहते हैं वाइट मैटर, ठीक है। जितनी ज़्यादा फोल्डिंग होती है उतना ज़्यादा सरफेस एरिया। अब
कई कहते हैं ना, आपकी ब्रेन में जितनी फोल्डिंग होगी उतने ज़्यादा आप इंटेलिजेंट होते हो, और सही कहते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे फोल्डिंग इंक्रीज होती है, सरफेस एरिया, इतनी सी जगह में आप सीधा रखो किसी को और इतनी एरिया में आप कोई चीज़ फोल्ड करके रखो, तो इसके पास ज़्यादा सरफेस एरिया मीन्स न्यूरॉन्स ज़्यादा होंगे। ज़्यादा न्यूरॉन्स होंगे तो ऑब्वियसली ज़्यादा स्मार्ट होंगे आप। और आपका पूरा ब्रेन किस में प्रेजेंट होता है? आपके बोनी स्कल में। आपके स्केलेटल का कौन सा पार्ट होता है? स्कल, बोनी स्कल में प्रेजेंट होता है, ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम एनी इंजरी। और ये आपका स्कल कोई एक सिंगल बोन से नहीं बना होता, इट इज़ फॉर्म फ्रॉम फ्यूजन ऑफ 8 बोन। आपका स्कल जो होता है वो 8 बोन से बना होता है। अगेन, फ्रंटल हो गई, पेराइटल हो गई, ऑसिपिटल हो गई, टेम्पोरल हो गए, सिफनॉइड हो गए, इथमॉइड हो गए, ये 4 तो आपके ब्रेन को ही कवर करती है। फिर फेशियल आपके अलग, ब्रेन कवरिंग की बात करें, जो आपके ब्रेन ब्रेन को कवर करती है वो तो 8 हो गए, और जो फेशियल होती है वो 14 अलग हो जाती है। वो पैलेट हो गई, नसल हो गई, वोलूमर हो गई, मैंडिबल हो गई, वो अलग है। पर आपके ब्रेन को जो स्कल का पार्ट कवर करता है उसमें 8 बोन्स होती है, और जो ब्रेन का पार्ट होता है लगभग वैसे ही इनका नाम होता है। नेक्स्ट हमारा रहता है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड ये आपकी बैकबोन जो होती है उसके अंदर होती है स्पाइनल कॉर्ड। आपका ब्रेन तो स्कल में है, स्पाइनल कॉर्ड को भी बोनी स्ट्रक्चर प्रोटेक्ट करता है, वो हो गई आपकी बैकबोन। स्पाइनल कॉर्ड का क्या काम होता है? ये आपके रिफ्लेक्सेस, गर्म तवे पे उंगली रखी हटा लिया झट से, पिक आपके निडल प्रिक होती है हटा लिया, ये रिफ्लेक्स इधर यूज़ होता है, मीन्स उसका रिस्पॉन्ड ये करता है। इसमें भी वही होगा, नर्व होगी, साइड में ग्लियल सेल्स होंगे। ये जो अरेंजमेंट ब्रेन में होता है मैट्रिक्स का, यहाँ पे मैट्रिक्स का अरेंजमेंट उल्टा हो जाता है, बाहर वाइट मैटर होता है और अंदर ग्रे मैटर होता है। ऐसे देखो, बाहर तो क्या हो जाएगा, वाइट मैटर, और अंदर क्या हो जाता है, ग्रे मैटर। आपके सेंसरी नर्व्स सिग्नल लेके आते हैं, यहाँ पे प्रोसेस होता है, इंटर न्यूरॉन हो गया, और ये मोटर नर्व रिफ्लेक्स लेके जाते हैं। आपके स्पाइनल कॉर्ड आपके जितने वर्टिब्रा होते हैं उसके अकॉर्डिंग देखिए, आपके जो सर्वाइकल एरिया में शोल्डर के पास के जो वर्टिब्रे होते हैं, 1 से 8 वर्टिब्रे होते हैं, यहाँ से जो स्पाइनल नर्व्स निकलती है उनको हम कहते हैं सर्वाइकल स्पाइनल नर्व। आप एरिया से याद रख लीजिए, ये किसको करेंगे, ये ऑब्वियसली आपके हेड को, यहाँ पे आपका सर्वाइकल मींस आपका जो कॉलर बोन होती है उस वाले पार्ट को सर्वाइकल कहते हैं। उस वाले पार्ट से जो भी स्पाइनल नर्व निकलेगी वो शोल्डर को, नेक को, बैक को, इनको ही, इनके पास ही जाएगी। सेकंड आपका आ जाता है थोरैक्स। थोरैक्स में 1 से लेके 12 तक ये आपके चेस्ट और बैक वाले रीजन के एरिया पर सिग्नल कंट्रोल करता है। लंबर आपका एब्डोमिनल पार्ट, ये 5 तक, ये आपका लोअर एब्डोमिन पार्ट इसको देखता है। फिर आपके आगे सर्वाइकल, सर्वाइकल 1 to 5, ये आपका जो जेनाइटल एरिया होता है वो, और थाइस वाला पार्ट उसको कंट्रोल करता है। और लास्ट हो गया कॉकियक्स, टेल बोन वाला, वो आपके लिम्ब्स इधर कंट्रोल करता है। तो पहले सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉकियक्स। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे क्या, सेंस ऑर्गन्स, अलग अलग सेंस ऑर्गन्स पढ़ेंगे, क्या फंक्शन होता है, किसका कैसे होता है, सब देखेंगे। ओके, थैंक यू।